जनपद उत्तरकाशी के स्थापना दिवस पर विकास मेले का शुभारंभ बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। डुंडा देवीधार स्थित रेणुका माता मंदिर प्रांगण में गुरुवार को देव डोलियों की मौजूदगी में टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान 64वां जनपद स्थापना दिवस विकास मेले का विधिवत शुभारंभ किया। यह मेला अगले 5 दिन चलेगा, जिसमें जनपद की संस्कृति से सभी रंग देखने को मिलेगा। पहले दिन ग्रामीणों ने देव डोलियों और मंदिर के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मेला के पहले दिन लोक गायक सुरेंद्र राणा के भक्तिमय गानों पर ग्रामीण जमकर थिरके। इस मौके पर टिहरी सांसद और गंगोत्री विधायक ने इस मौके पर सभी को बधाई दी। सबसे पहले मैं उत्तरकाशी जनपद वासियों को, जो आज हमारा 64वां स्थापना दिवस है, उसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर माँ रेणुका का जो मेला कई वर्ष, मतलब लगभग 8-10 वर्षों से लगभग ये लोग जो है इस मेले को यहां पर इसका आयोजन करते हैं और बहुत भव्य और दिव्य ये मेला जो यहां पर मनाया जाता है। आज हमारे बीच हमारी दीदी की हमारी माननीय सांसद भी यहां पर हैं और हम सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन आज भी जहां हम सीमाओं से लोग, हमारा जनपद लगा हुआ था और आज के दिन चाहे चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, हमारे अलग जनपद बने हैं और ये सीमांत जनपद थे और सीमांत जनपद में कहीं ना कहीं हम विकास में कहीं ना कहीं आगे बढ़े। लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज जहाँ हमारे जो हमारी सरकार है, जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी कि जनता अवरोही क्रम में हम कैसे जो है हर गांव को सड़क से जोड़े, कानून बनाया था और 2022 तक जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो कानून बना था उसके लिए आज हम दूर दूर के गांव में, चाहे पिलंका हो, अगोड़ा का हो, दूर दूर के क्षेत्रों तक जो हमारी सड़कें पहुंची है। लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है और अभी भी बहुत कुछ प्रयास करने की जरूरत है। आज जो है जनपद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये हम लोग 64वां जनपद स्थापना दिवस इसे मना रहे हैं और आज यहाँ पे मुख्य अतिथि माला राज्य लक्ष्मी शाह जी आई है, माननीय सांसद जी आई हैं और माननीय विधायक जी ने इसका उद्घाटन किया है। और आज प्रथम दिवस था, आने वाले दिन में मेले का और भव्य कार्यक्रम कराया जाएगा। विशेष तौर पर 26 और 27 तारीख को यहाँ पे विश्व विख्यात डॉक्टर विपुल कंडवाल जी द्वारा यहाँ पे 2 दिवसीय निःशुल्क कैंप लगाया जाएगा, जिसकी बहुत सारे दूर दूर से लोग जो पेट के जो रोगी हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी कार्यक्रम है 27 तारीख को और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपेक्षित है 27 तारीख को आना। और जो है कल यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का भी कार्यक्रम है और भी बहुत सारे यहाँ पे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा भी कार्यक्रम किया जा रहा है।